Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics. So, कल का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो कहाँ तक था? हमने एक बहुत बेसिक आइडिया डिफाइन किया था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट? जिसमें मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन किया था, एंड दैट वाज कि इकोनॉमिक्स क्या है. इट इज अ सोशल साइंस. ये एक सोशल साइंस है एंड दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. और ये जो सोशल साइंस हमारे पास है ये क्या करता है? ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, राइट? ठीक है, ये किसको स्टडी करता है? ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है. किस चीज से रिलेटेड? ह्यूमन के तो बहुत बिहेवियर थे, तो हमने इसको लिंक किया था. किसके किससे लिंक किया था इसको हमने? वेल्थ मींस मनी. और मनी से लिंक करने की जो वजह थी वो क्या थी? क्योंकि जो फॉर द फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को इसके ट्रू सेंसेस में डिफाइन किया गया, या पहला आप कह सकते हो टैक्स इसके बारे में दिया गया, वो किसने दिया? वो दिया एडम स्मिथ ने. और एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी वो किसके बारे में थी? दैट वॉज रिलेटेड टू वेल्थ. ठीक है, तो आज मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स. ठीक है, जो डेफिनेशन हमने डिराइव करने की कोशिश की, ऑफ कोर्स एग्जाम में वो तो हम नहीं लिखेंगे ना, हमें तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी. ठीक है, तो आज हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स की सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉमन डेफिनेशंस हैं, और आप कह सकते हो बहुत पॉपुलर है. ठीक है, सबसे ज़्यादा चलने वाली डेफिनेशन जो है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. सबसे पहले देखते हैं कि किस किस ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स, राइट? ठीक है, तो ये रही हमारे पास स्लाइड. ठीक है, ये आपके सामने मैंने वो टॉप फोर डेफिनेशंस लिखी हुई है. ठीक है, जिनको ऐसा नहीं है कि यही डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की, इसके अलावा काफी डेफिनेशंस और भी इकोनॉमिक्स की. हम उन टॉप फोर की बात करें तो सबसे ज्यादा चलती डेफिनेशंस है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जो सबसे ज्यादा बार आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी. ठीक है, और जो आपको एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा खासा आइडिया डिलीवर कर देती है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक. द फर्स्ट डेफिनेशन इज वेल्थ डेफिनेशन. ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन कल कर ही लिया था कि वेल्थ डेफिनेशन क्या है. इट इज अ डेफिनेशन प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ. ये डेफिनेशन किन्होंने सजेस्ट की थी? ये एडम स्मिथ ने सजेस्ट की थी. वन मार्क का क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा बुक का नाम था? सोचो बुक का नाम क्या था, कल समझाया था. बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट? या बाद में उसको शॉर्ट करके हमने क्या कहा था, एब्रिविएशन द वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आज जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज वेल्थ डेफिनेशन. फिर हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है? वेलफेयर डेफिनेशन. ये डेफिनेशन किसने दी? एल्फर्ड मार्शल. ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ही थे. ठीक है, तो इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? इन्होंने दी आपकी वेलफेयर डेफिनेशन. व्हाट डू वी मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब होता है एक स्टेट जिसमें हम किसी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ना, सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी का भला करने की कोशिश करते हैं. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो सॉरी वेलफेयर, तो वेलफेयर डेफिनेशन. इसके बाद डेफिनेशन कौन सी आई? स्केर्सिटी डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को आपने अपने एंटायर लाइफ कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड आप कह सकते हो जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है वो मोस्टली स्केर्सिटी डेफिनेशन को ही यूज किया जाता है. हम ये कह सकते हैं कि जो स्केर्सिटी डेफिनेशन है वो वाइडली यूज्ड डेफिनेशन है एंटायर वर्ल्ड के अंदर टू डिफाइन इकोनॉमिक्स. तो इसके ऊपर, और क्योंकि इस डेफिनेशन के बाद से इकोनॉमिक्स को एक अलग ही टेंजेंट मिल गया था, इससे पहले के टेंजेंट कुछ अलग थे और यहां से टेंजेंट आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स का बहुत बदला था और काफी वास्ट हो गया था. तो फिर डेफिनेशन कौन सी है? स्केर्सिटी. एंड देन द फोर्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ डेफिनेशन. ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन जो थी वो पॉल ए सैमुएलसन ने दी थी. ये कौन से इकोनॉमिस्ट थे, कहाँ के हैं? ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, राइट? इन्होंने डेफिनेशन दी थी. कौन सी डेफिनेशन? ग्रोथ डेफिनेशन. ठीक है, अब बात आती है कि सर ये चार डेफिनेशन क्यों? देखो ऑब्वियस सी बात है, जिस जिस इकोनॉमिस्ट ने जिस जिस अप्रोच से उस सब्जेक्ट को समझा अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, लेकिन एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी उसको कुछ क्रिटिसाइज करते हुए एल्फर्ड मार्शल ने अपनी वेलफेयर डेफिनेशन दी. मतलब उन्होंने कहा कि इनकी डेफिनेशन ठीक है बट जो कमियां हैं वो मैं पूरी कर करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ. सिमिलरली लॉर्ड रॉबिन्स ने या फिर लियोनल रॉबिन्स ने क्या किया? लियोनल रॉबिन्स ने वेलफेयर डेफिनेशन को कुछ मैटर्स पे क्रिटिसाइज किया और कहा कि अब हम अपनी डेफिनेशन की बात करते हैं स्केर्सिटी. फिर हमारे पास कौन सी डेफिनेशन आती है? दैट इज ग्रोथ. तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी की डेफिनेशन आई उसमें कुछ कमी,
दूसरे इकोनॉमिस्ट ने निकाली और अपनी डेफिनेशन दी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं वेल्थ डेफिनेशन जो थी एडम स्मिथ की, वो क्या सजेस्ट करती थी, ठीक है। इनकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, ठीक है, इनकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है और उसका क्या आइडिया था। फिर तो एक ऑब्वियसली बात है, मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली टेक्स्ट पे आने की जरूरत नहीं है, पहले उसका आइडिया हमेशा माइंड में बिल्डअप करो। बिल्डअप होने के बाद जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो समझ में कुछ कुछ आती है, ठीक है। तो पहले एक आइडिया लेते हैं, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं वेल्थ डेफिनेशन की, अच्छा। अब ये डेफिनेशन दी किसने, डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, कब थी, 1776 में, ठीक है। ये तो हो गया, इसका कंसर्न क्या है, देखो इसका कंसर्न कहीं ना कहीं वेल्थ लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वेल्थ लिखा है तो कहीं ना कहीं ये मनी से एसोसिएटेड जरूर होगा, ठीक है। डेफिनेशन जो है इनकी बुक की डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या थी, इनकी बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यही डेफिनेशन इन्होंने प्रपोज की थी और यही इनकी बुक का नाम भी था, दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस वेल्थ ऑफ द नेशंस। अगर हम इस पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनके डेफिनेशन का मतलब पता चल जाएगा। इन्होंने कहा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, ठीक है, ऑफ कोर्स सोशल साइंस, एक ऐसी साइंस है जो कि मनी के बारे में पढ़ती है। मतलब उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करती है, वो हमारे नेचर में इंक्वायरी करती है, ठीक है। इंक्वायरी तो आप समझते हो ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट सॉर्ट ऑफ करना, इंक्वायरी करती है नेचर में और क्या करती है, ऐसे रिसोर्सेस को ढूंढती है जिनसे एक कंट्री जो इकोनॉमिकली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो नेचर के रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन आपको सिखाएगा, आपको उस हर चीज को यूटिलाइज करना समझाएगा जिससे कि आप उन्हें यूज करें और आप क्या बन सके, आप एक वेल्दी स्टेट के बारे वेल्दी स्टेट बन सके। इनका जो कंसर्न था वो सारा एम्फेसिस किसके ऊपर था, इनका सारा एम्फेसिस वेल्थ के ऊपर ही था, ठीक है, वेल्थ के ऊपर। इन्होंने कहा किसी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी का, मतलब किसी भी इकोनॉमी का जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है अपने नेशन को प्रोस्पेरस करना। प्रोस्पेरस मतलब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो ये सब्जेक्ट है जो एक नेशन को उसके ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, जिससे कि वो नेशन क्या हो सके, जिससे कि वो नेशन वेल्दी हो सके, अमीर हो सके। क्योंकि इनका मानना ये था कि जितना ज़्यादा एक नेशन वेल्दी स्टेट में पहुँचेगा, जितना ज़्यादा वो नेशन अमीर होगा, अल्टीमेटली गरीबी और जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें आती हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। अगर मान लो कोई देश बहुत और बहुत ज़्यादा अमीर है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर गरीबी नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, तो जब इस तरह के सोशल क्राइसिस नहीं होंगे तो जो सोशल इवेंट्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इनका मानना यही था कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज ओनली कंसर्न विद द वेल्थ, ठीक है। बस किसी भी तरीके के एक इकोनॉमी को जब आपको पावरफुल बनाना है तो गिव देम वेल्थ, ठीक है। आप पता है ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि ये ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं अगर आप उस टाइम की बात करो 17th-18th century की बात करो तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे होने का मतलब क्या है, वेल्थ ही वेल्थ, चारों तरफ पैसा ही पैसा। तो उस टाइम के हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट 17 साल तक रिसर्च करी थी, रिसर्च करने के बाद ये बुक इन्होंने पब्लिश करी थी। और उस टाइम पे जो एरा था वो किसका एरा था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा था जिसमें वेल्थ ही वेल्थ चारों तरफ थी, प्रोडक्शन ही होती थी, अतिथि चीज़ों की। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर काफ़ी हद तक जो इनकी डेफिनेशन है वो इसी बात पे फोकस करती थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वेल्थ होना चाहिए। अगर आपके पास वेल्थ है तो अल्टीमेटली आपके पास सब कुछ है, ठीक है, ये इनका मानना था।
ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, एक बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है वेल्थ डेफिनेशन का, इन्हीं से बाद में इसी को जो इकोनॉमिक्स है लोगों ने इनकी लास्ट एक मिनट का साइंस ऑफ वेल्थ के, इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, जिनको इकोनॉमिक्स पढ़नी आती है, मतलब जो इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं, जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, उनको वेल्थ अर्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ही वो साइंस जो आपको समझाता है दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज द नेचर, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, ठीक है, टू अर्न वेल्थ। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे वेल्थ के बारे में जो है वो समझनी पड़ेगी, वेल्थ का मतलब क्या है। देखो, एक लेमैन, लेमैन मतलब जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे है ना, एक ऑर्डिनरी सेंस में वेल्थ का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डिनरी सेंस में वेल्थ का मतलब हो गया गोल्ड, सिल्वर, आपकी कार, ये जितनी भी चीजें आपके पास संपत्ति है, कार, शेयर, कुछ भी, ये वेल्थ है। इकोनॉमिक्स कहता है वेल्थ का मतलब ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स में वेल्थ को थोड़ा ब्रॉडली यूज किया जाता है, और वो ब्रॉडनेस ये कहती है एनीथिंग दैट पोजेसेस, वो कोई भी चीज जिसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी। अगर कोई चीज आपको सेटिस्फाई कर सकती है तो वो आपके लिए उस टाइम पे वेल्थ का काम करेगी। ठीक है, पहली चीज क्या होनी चाहिए, उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज की तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है, वो क्या होनी चाहिए, वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें कोई चीज पोजेस करती है तो इकोनॉमिक्स उसे वेल्थ मानता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ गोल्ड को, सिल्वर को, सबको वेल्थ नहीं मानता, जिसमें भी ये चीजें होंगी वो आपके लिए क्या है, वेल्थ है। राइट, तो ये एडम स्मिथ का पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया सो दैट आप पूरा एक फ्रेम कर सके अपने माइंड में रखकर, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे और उसके फीचर्स पढ़ोगे तब आपको एक बेसिक आइडिया ऑफकोर्स की बात है माइंड में साथ साथ में चलना चाहिए, सो दैट आप एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन जो इन्होंने प्रपोज की थी। ठीक है, आगे हम डेफिनेशन के ऊपर, तो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, इसी की बात मैं आपसे कर रहा था, द वेल्थ ऑफ नेशंस की मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, देखते हैं क्या डेफिनेशन है इनकी। इन्होंने कहा एडम स्मिथ एम्फसाइज ऑन वेल्थ एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज ग्रेट बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। यही मैंने आपसे कहा कि एडम स्मिथ ने एम्फसाइज किया किसके ऊपर, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली मोटिवेटेड बाई द आइडिया ऑफ अर्निंग वेल्थ, ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एज वेल, सिर्फ कमाना नहीं उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, क्योंकि भैया जब तुम कमा रहे हो तो जिन लोगों की हेल्प से कमा रहे हो तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना, अगर उनको उनका हिस्सा नहीं दोगे सो अगली बार वो काम ही नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, पब्लिश कब हुई, 1776 में, एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि हम एक बेसिक आइडिया बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बेसिक आइडिया आ जाता ना फिर जो चीजें होती हैं उनको समझना आसान होता है। आगे इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्मिथ द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी का, किसी भी बड़े से बड़े देश का जो टारगेट है ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिचनेस एंड पावर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, इसका मतलब है किसी भी देश का जो कंसर्न होता है वो होता है उनकी रईसी और उनकी पावर को बढ़ाना। आप, मैं, हम सब क्या चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं अगर हम सोचें इनडायरेक्टली भी तो। व्हाट डू यू वांट, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एक गेमर हो, ठीक है, आप एक यूट्यूबर हो, आप फैशन डिजाइनर हो, आप मेरी तरह कोई टीचर हो, आप कोई स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप 11th के स्टूडेंट हो, कुछ भी आपके दिमाग में होगा, आप स्टंटमैन हो, कुछ भी आपके दिमाग में होगा, बट अल्टीमेट गोल हमारा क्या होगा कि मैं रईस बनूं अपने काम को करके। राइट, मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास पावर है, इन्होंने यही कहा। ठीक है, कि इंक्रीज द रिचेस एंड पावर ऑफ दैट कंट्री, टू हिम वेल्थ मे बी डिफाइंड, वही चीज जो मैंने आपसे कहा था, एज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कमांड वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जो चीज मुफ्त की मिलेंगी वो इनके हिसाब से वेल्थ नहीं थी, मतलब जिस चीज की कोई वैल्यू होगी, जिसके लिए तुम कुछ एक्सचेंज करोगे, मतलब आप मान लो मैं आपसे कहता हूँ, देखो आप मार्केट में गए, आपने जाके से एप्पल खरीदे, वो जो एप्पल है उनकी कुछ वैल्यू है ना, पोजेस क्या था, वैल्यू होना
ठीक है, मतलब आपकी कोई वैल्यू है, आप उसके लिए कुछ दे पैसे दे के आ रहे हो, मुफ्त में मिलेगा तो वो काहे की मिलता, क्योंकि तो वैसे भी आप उसको मतलब कदर ही नहीं करोगे, उसकी तो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि वेल्थ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कोई भी गुड या सर्विस जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसको मार्केट में जाके खरीदा जा सकता हो, वो वेल्थ है। ठीक है, he emphasized that economics is concerned with the generation of the wealth of nations. Economics किससे concerned है? एक नेशन की वेल्थ को बनाने से बढ़ाने से concerned है। It is not only concerned only with the production of wealth, but also the distribution of wealth. ये मैंने आपसे भी कहा था कि सिर्फ production करने से क्या हो जाएगा, तुम wealth को generate कर लोगे, तुम आगे लोगों के शेयर नहीं दोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या कर पाओगे आप, वो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ कंसिस्टेंटली जनरेट होती रहे, तो वो लोग जो लोग आपको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आपको उनको उनका शेयर तो देना ही होगा। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना। दैट इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज वेल्थ इन मार्केट इज गवर्न्ड बाय इनविजिबल हैंड, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द प्राइस सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो मार्केट है ना, मार्केट में जो भी वेल्थ डिसाइड होता है वो गवर्न होता है इनविजिबल हैंड्स के थ्रू। नो व्हाट डू वी मीन बाय इनविजिबल हैंड, को जादू यहाँ कहते हैं क्या? नहीं, प्राइस मैकेनिज्म को हम इनविजिबल हैंड बोलते हैं। अभी आपने डिमांड सप्लाई जैसी चीजें नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं उस चीज को यहाँ पे भी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आपने एक चीज अभी याद रखनी है, इनविजिबल हैंड। हम जब डिमांड सप्लाई डिस्कशन कर लेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि जो डिमांड सप्लाई की मदद से इनविजिबल हैंड कैसे काम करते हैं। रीजन ये है कि बिना ग्राफ के आप समझ नहीं पाओगे, और जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जो डिमांड कर्व बनाया वो ऐसा ही क्यों बनाया, और मैंने अगर सप्लाई कर्व बनाया तो ऐसा क्यों बनाया। लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो थ्योरेटिकली। सपोज इतनी आप मार्केट में गए, ठीक है, और आपने मार्केट में जाकर के सैनिटाइजर्स की डिमांड कर दी, जो टाइम चल रहा है सैनिटाइजर की डिमांड कर दी, डिमांड जो है मार्केट में वो क्या होगी, सैनिटाइजर की बढ़ गई। जो कंज्यूमर होता है उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया भी था। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है उसको क्या चाहिए होती है, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। जब तुम सैनिटाइजर की डिमांड करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। तुम यहाँ से डिमांड को बढ़ाओगे, वो वहाँ से सप्लाई को बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी तरह के डिस्टर्बेंसेस इकोनॉमी में क्रिएट होंगे, एडम स्मिथ मानते थे ये इनविजिबल हैंड के थ्रू, कोई इसको ठीक करने नहीं आएगा। लेकिन ये तो प्राइस मैकेनिज्म है ना, ठीक है, कि अगर तुमने किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा कर दिया, जितना नहीं भी होना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया, उस केस में क्या होगा, उसके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। जब उसके प्राइस को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोग डिमांड अपनी कम कर देंगे, जिससे कि वापस मार्केट स्टेबल हो जाएगा, है ना। आप भाई बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे लेकिन प्रोड्यूसर के पास बेचने के लिए यूनिट्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है, जब वो प्राइस को बढ़ा देगा तो क्योंकि चीज़ महंगी हो गई है, अब तो आप डिमांड कम करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली भी डिमांड कम करोगे, एंड द मार्केट विल रीस्टोर बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम। इसी चीज़ को हम इनविजिबल हैंड कहते हैं। ठीक है, कि मार्केट को पता भी नहीं चलता, लेकिन प्राइस के थ्रू, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, प्राइस एडजस्टमेंट्स के थ्रू, ऑटोमेटिकली मार्केट बार बार अपने आप को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर करने में एबल हो पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस सिस्टम, राइट। सो दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है किसका, वेल्थ डेफिनेशन। सो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कि जो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी, उस डेफिनेशन के क्या थे, उस डेफिनेशन के कुछ फीचर्स थे। ठीक है, फीचर देखते हैं। कंसर्न सारा किस पे, स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ का जो मेजर कंसर्न था वो किसके ऊपर था, वो मेजर कंसर्न था वेल्थ के ऊपर। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की स्टडी करना। ओके, हेंस इट डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि वेल्थ कहाँ से आएगी, तुम प्रोडक्शन करोगे किसी भी गुड को या सर्विस को, कल समझाया था, पैसा तो तभी आएगा। आप घर पे बैठे हो, आज से पहले जो लोग ने लेक्चर नहीं देखा या यूट्यूब पे मैंने वीडियो को अपलोड नहीं करी, है ना, इससे पहले तक मेरे पास अलग अलग जगह से क्वेरीज भी नहीं आ रही होंगी, अब मैंने वीडियो अपलोड करी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि सबको पसंद आएगी, बट जिनको पसंद आएगी दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी,
उससे मेरे पास क्या आएगी, उससे मेरे पास अर्निंग आना शुरू होगी। सो आप समझो, मैंने आज सर्विस जनरेट करी तो मुझे पैसा आना शुरू हो गया। व्हाट इफ मैं नहीं करता, तो जैसे अब तक बैठा था नहीं आ रही थी वो नहीं आती। सो दैट इज द आइडिया कि जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे तो जिन लोगों की मदद से तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको, भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद जो एडिटिंग का काम है या फिर जो अपलोडिंग का काम है, ये सपोज इवली मैंने किसी को दे रखा है कि भाई तूने ये काम कर देना है, वो हमेशा आता है रिकॉर्डिंग कर देता है और अपना अपलोड वगैरह सब कुछ कर देता है, ठीक है, सारा काम वो कर देता है। क्या करेगा वो, मुझसे कहेगा भैया मुझे पैसे दो, मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एडिटिंग सब कुछ मैं करूँगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ पैसा चाहिए। सो दैट इज हाउ इट गोज, कि अगर तुम प्रोडक्शन करोगे तो यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, जब आपके पास पैसा आएगा, वेन एवर यू विल हैव मनी, ठीक है, क्या करते हो, एक ही तो काम होता है कंज्यूमर का, कंजम्पशन करना। सो दैट इज द आइडिया कि आपके पास जब पैसा आएगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल कंज्यूम, आप कंज्यूम करोगे, आप कहोगे भाई मेरे को भी अलग अलग चीज़ों की सर्विसेज चाहिए, अलग अलग गुड्स चाहिए। सो और फिर एक्सचेंज मतलब तुमने पैसा दिया मैंने सर्विस दी, तुमने आईफोन वालों को पैसा दिया उन्होंने तुम्हें गुड दे दिया। सो दैट इज द स्टडी ऑफ दैट। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, इकोनॉमिक मैन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक मैन, लाइक हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, नॉट इन सेल्फिश वे, वो पर्सन जो अपने आप को पूरी तरीके से किसमें रखता है, अर्निंग पर्सपेक्टिव से रखता है, जो सिर्फ वेल्थ 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 के बारे में सोचेगा, ये इन्होंने कहा। सो द मैन हु इज ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इन नेचर इज नोन एज इकोनॉमिक मैन, मतलब वो पर्सन जो हमेशा अपने बारे में सोचता है और पैसे को अर्न करने के और बढ़ाने के बारे में सोचता है, सो उसी पर्सन को इकोनॉमिक मैन कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन वेल्थ के कंसर्न से बाहर है, इकोनॉमिक्स उसको ऐसे भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमने कहा एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स क्या है, वो जो वेल्थ को क्रिएट करे, तो जो नहीं है उस डोमेन के बाहर, इकोनॉमिक्स उसे क्यों पढ़ेगी, राइट, ठीक है। इसके बाद ओनली मटीरियल कमोडिटीज, ये चीज आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है, मैं इसे यहां लिख देता हूं आपके लिए। एक होता है मटीरियल, एक होता है इमटीरियल, ठीक है, मटीरियल एंड मटीरियल। मटीरियल आप में से बहुत से लोग समझते होंगे, वो कोई भी चीज़ जो टैंजिबल होती है उसे हम मटीरियल बोल देते हैं, और वो कोई भी चीज़ जो इनटैंजिबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इनमटीरियल बोलते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टैंजिबिलिटी और इनटैंजिबिलिटी, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, योर कार, योर लैंड, ये सारे आपके मटीरियल वेलफेयर के एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, इन्हें मटीरियल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इमटीरियल क्या होता है, इमटीरियल मीन्स इनटैंजिबल, ठीक है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, राइट, ठीक है, सो यू जस्ट कैन फील वेदर यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल्स, वेदर यू आर गेटिंग माई वे ऑफ टीचिंग और नॉट, ठीक है। अगर आपको लगता है दैट हाँ समझ में आ रहा है, सो यू विल जज कि हाँ भाई इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, नहीं आ रहा तो इग्नोर। तो इमटीरियल मीन्स इनटैंजिबल, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सारे इनटैंजिबल में होते हैं, क्योंकि इनको आप सिर्फ फील कर सकते हो द वे दे ट्रीट यू, राइट, आप देख के जज नहीं कर सकते कि भैया ये देखने में डॉक्टर अच्छा तो डॉक्टर ही अच्छा होगा। गुड को तो आप देखते जज कर लेते हो कि भाई हाँ ये शेप साइज अच्छा है, ये मार्क बढ़िया ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज द आइडिया, ओके। सो द डेफिनेशन सेंटर्ड इट्स स्टडी ओनली टू मटीरियल कमोडिटीज सच एज सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, while it ignores non-material goods such as sunlight, rain, water, air, etc. Right? मतलब जितने भी immaterial चीजें हैं, इन्होंने उन सबको क्या कर दिया? Ignore किया। इन्होंने कहा जो economics है, वो concerned है सिर्फ किससे? Material welfare से, ठीक है? And last, emphasize only on wealth only, right? The main aim of any political state, इनके according किसी भी political state का जो main aim होता है, वो क्या होता है? वो होता है अपने आप को रईस बनाना, hence it gives more stress on wealth, not anything else. तो इसीलिए इन्होंने सारा स्ट्रेस जो दिया वो किस पे दिया, सारा स्ट्रेस इन्होंने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर दिया। सो ये इनके फीचर्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जब इन्होंने फीचर दिए या किसी ने भी दिए, तो इसके साथ साथ कुछ कमियां भी आती गई, तो जो कमियां आती गई साथ में उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि समझ में आए कि जो जिस पर्सन ने अपनी अगली डेफिनेशन दी उसने कुछ फिर एक्स्ट्रा बोला होगा शायद से, तभी तो उसमें कमियां निकाली हुई, ठीक है। और अगेन एक बात मैं आपसे कहूँगा,
कि प्लीज़ एक रजिस्टर और पेन लेके बैठे और जितने भी नोट्स हैं वो साथ साथ में आप कॉपी करते रहो, ठीक है। एंड दिस इज फुल फ्लेज नोट्स, आपको अलग से कुछ और इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप इतना लिखोगे यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप बस लेके बैठे, स्क्रीन शॉट के चक्कर में ना आए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म। अब देख लेते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन उन्होंने दी उसकी क्या क्या कमियां हो सकती हैं। इतना पढ़ने के बाद तो आपको भी कुछ कमियां समझ में आई होगी। सिर्फ पैसा, तुमने स्टार्टिंग में बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, लेकिन एडम स्मिथ की बात पूरी डेफिनेशन में देयर इज नो सोसाइटी, देयर इज नो मैन, तो ऐसा कैसे हो गया। मतलब आप एक डेफिनेशन दे रहे हो जिस डेफिनेशन के अंदर आप पहले क्या बोलते हो, पहले आप ये बोलते हो कि जी ये सोशल साइंस का ब्रांच है, अगर ये सोशल साइंस का पार्ट है तो इसको सोसाइटी और ह्यूमन को तो इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन पूरे डेफिनेशन में जिक्र कहीं से भी ह्यूमन बींग्स का नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रेट करें तो एडम स्मिथ ये कहते थे किसी को मार के पैसा कमा लो लेकिन बस कमा लो, ठीक है, दैट इज एरिया। अब देखते हैं मेटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा कि जो डेफिनेशन आपने दिया पूरी तरीके से मेटीरियलिस्टिक हो गई, लेकिन इकोनॉमिक्स का इतना नैरो है कि सिर्फ मटेरियल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेगा। देखो कैसे इसमें लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन वेल्थ इज द सोल एंड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हाउएवर इन रियलिटी वेल्थ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज ओनली अ मींस एंड दैट टू वन ऑफ मेनी रीजंस फॉर मेंस हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। वो कह रहे हैं कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग तो भैया सब चीजों का अंत सिर्फ वेल्थ पे आके हो जाता है, लेकिन ये जो लाइन है ना ये मार्शल ने कही थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाई वेल्थ सब कुछ नहीं होता, वेल्थ सिर्फ एक जरिया है उन सारी इच्छाओं को पूरी करने का जो इंसान अपने अंदर पोजेस करता है, और वो सिर्फ एक जरिया है। सिर्फ वेल्थ से यू कैन नॉट हैव एनीथिंग और यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ द थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ वेल्थ। आप खुद सोच के देखो, बस पैसा ही आपके पास रहता है और कुछ हो ही ना तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे उस चीज का, isn't it? तो वेल्थ तो सही है मुझे, लेकिन वेल्थ ही चाहिए ये आपने गलत कह दिया, ठीक है। फिर इनके डेफिनेशन आ गया वेगनेस। वेगनेस का मतलब होता है डाउट, जो चीज आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होती वो चीज जो अनक्लियर है। अब अनक्लियर क्यों है, उन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इज वेग, उन्होंने कहा जो कॉन्सेप्ट है वेल्थ का वो बिल्कुल डाउटफुल है। क्यों, दैट इज इट्स मीनिंग इज नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफाइड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये कह दिया कि किसी भी इकोनॉमी का कंसर्न, पॉलिटिकल स्टेट का कंसर्न है, वेल्थ बढ़ाओ वेल्थ बढ़ाओ वेल्थ बढ़ाओ, बट वेल्थ का मतलब क्या है वो तो उन्होंने बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई मेरे हिसाब से वेल्थ ये है। क्या कहते हैं वो देखो आगे, एडम स्मिथ एडम स्मिथ कंसिडर्ड ओनली मेटीरियल वेल्थ सच एज गोल्ड सिल्वर टेंजिबल कमोडिटीज, इग्नोरिंग द इनमेटीरियल एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ सच एज सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर लॉयर टीचर एक्सेट्रा। ये चीज आपने समझनी है, एडम स्मिथ वॉज ऑफ द व्यू के एक नेशन को जो रईस बना सकती है वो सिर्फ प्रोडक्शन बना सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे वहां पे, तो उनको लगता था कि प्रोडक्शन से जो पैसा तुम अर्न कर सकते हो केवल वही पैसा तुम्हें रईस बना सकता है, अगर बिना प्रोडक्शन का कोई पैसा होगा तो उसको आपसे कोई काम नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उससे आप इतना रईस अपने नेशन को नहीं बना सकते। एक नेशन को रईस बनाने के लिए किसी कंट्री की प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि सर्विसेज के ऊपर। तो उनके अकॉर्डिंग इन लोगों की जो वेल्थ है या इन लोगों के थ्रू जो पैसा कमाया जाता है उन्होंने कहा उससे कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमी अपने आप को रिच नहीं कर सकती। अगर कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी अपने आप को रिच करना चाहती है तो उसके रिचनेस के लिए उसे ध्यान किस पे देना पड़ेगा, उसे ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन मींस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड में, और उससे जो पैसा आएगा उसे वो वेल्थ कंसिडर करते थे। मतलब अगर मैं ये मार्कर बना के पैसा अर्न करूंगा तो एडम स्मिथ कहते थे ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको ऐसे पढ़ा करके सर्विसेज देके पैसा अर्न कर रहा हूँ, एडम स्मिथ ने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो इसीलिए हमने कहा कि तुमने वेल्थ के डेफिनेशन को इम्प्रॉपर लिखा है। नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर, अब जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो वेल्थ तो है, लेकिन वो वेल्थ किस काम की जो वेलफेयर ना कर सके, मीन्स किसी का भला ना कर सके। तो आपने पहले तो ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ठीक है, और बाद में आप सोशल साइंस के बोलने के बाद भी आप किसी भी तरीके से इसमें किसी ह्यूमन को इंक्लूड नहीं करते, सोसाइटी को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। देखो, दिस डेफिनेशन एम्फसाइज ओनली ऑन वेल्थ, अनडाउटली इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन वन पार्ट, ठीक है बात समझ में आती है, बट द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड एज इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस।
वो कह रहे थे भाई जो ब्रांच है सोशल साइंस की है, तो तुमने एक बात तो बिल्कुल ठीक कह दी कि इकोनॉमिक्स पैसों के बारे में पढ़ेगा, मान लिया, लेकिन दूसरी साइड कहाँ है, वो पैसा किस काम का, मान लो एक नेशन में सिर्फ पैसा ही है, लोग ही ना है, तो क्या करोगे ऐसे पैसे का, तो आपको वेलफेयर को भी इंक्लूड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, जो हमने वही पॉइंट पढ़ा था, तो उन्होंने क्या कहा, स्मिथ्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन हु इज कंसर्न्ड विद वेल्थ क्रिएशन ओनली, जिसका कंसर्न किस में है, जो वेल्थ हंटिंग में लगा हुआ है, भैया पैसा दो, चेस कर रहा है मनी को बस, ठीक है। देयरफॉर पीपल कॉल इट एज अ ब्रेड एंड बटर साइंस, क्यों, क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या होता है भैया, कमाओ खाओ और तुम कुछ करते ही नहीं। इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से अपने आपको झोंक रखा है पैसे कमाने में, कमाओ खाओ और कुछ, और कोई सोशल रिलेशन किसी तरीके का गैदर कुछ भी नहीं करते। तो इन बेसिस पे जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ की, उसको क्रिटिसाइज किया गया कि आपकी डेफिनेशन हो सकता है बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दी, ऑफकोर्स ही इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने एक डायरेक्शन तो दी इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, बट लेकिन वो डायरेक्शन के साथ साथ कुछ कमियां रह गई, क्योंकि वो कुछ चीजों के ऊपर, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर गए, ठीक है। तो वो था वेल्थ, सो देयर आर द क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन पूरी कंप्लीट होती है एडम स्मिथ की, ठीक है, जिसका जो कंसर्न था वो सिर्फ वेल्थ का था, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी थी हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी वेलफेयर डेफिनेशन, इसमें सारी कमियां वेलफेयर के ऊपर निकाली गई, इसलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को जो लिखा एल्फ्रेड मार्शल ने, उसका नाम ही क्या दे दिया, उसका नाम ही दे दिया वेलफेयर डेफिनेशन, ये रहे एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इनकी जो सबसे ज्यादा बेस्ट बुक रही वो कौन सी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे एडम स्मिथ की थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए बट ये मेजर, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक नया वर्ड मिल गया इकोनॉमिक्स को पढ़ने के डेंजर में, अभी तक हम किसकी बात करते गए, वेल्थ की, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, मार्शल ने कहा मनी एक पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा था, ह्यूमन, ठीक है, तो उसको भी तो इंक्लूड कर लो, बिना उसको इंक्लूड करे तो आप किसी भी चीज का बात कर नहीं सकते, क्योंकि वेल्थ का करोगे क्या जब तक वो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले भी एक काम करते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, कि डेफिनेशन है क्या, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन का जो कंसर्न था वो दो चीजों पर था, इसने अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट में, कैसे आप कह सकते हो, डिवाइड कर दिया, वो दो पार्ट कौन से थे, एक पार्ट में, एक पार्ट अगर आप मैं बात करूं एट वन पार्ट, और ये बात करता हूं सेकेंड पार्ट, अदर पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में स्टडीज हाउ अ पर्सन अर्न्स हिज इनकम, पहले पार्ट में ये पढ़ता है कि एक पर्सन अपनी इनकम को कैसे अर्न करता है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स जरूरी है, एडम स्मिथ का वेल्थ बढ़ाओ, वेल्थ बढ़ाओ, छुरा मारो, चाकू मारो, कुछ भी मारो, वेल्थ बढ़ाओ, ठीक है। अदर पार्ट अर्न को ओट्स भी बोलते हैं, कहीं पर लिखा होता है, इसमें लिख दिया आपके लिए हाउ ही स्पेंड्स इट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉट अबाउट टू अर्न मनी, इट इज अबाउट टू हाउ अ पर्सन यूटिलाइजेस हिज मनी, क्योंकि देखो आपका वेलफेयर तभी हो सकता है जब आपको आपके पैसे को यूज करने का सही तरीका आता है, राइट। जब तक आप अपने पैसे को यूटिलाइज करने का तरीका नहीं जानते ना, तब तक आप कितना भी अर्न कर लो, ठीक है, आपका वेलफेयर नहीं हो सकता। जैसे कि एक पर्सन पैसे अर्न करता है, अर्न करने के साथ ही उतना ही लेविस्टी से खर्च भी कर देता है, विदाउट सेविंग्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो वॉट कैन यू क्लेम अबाउट हिज फ्यूचर, ऑब्वियसली बात है जो बहुत जो फ्यूचर जो उस पर्सन का होगा बहुत ही डार्क हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एक सडन किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो फंड ही नहीं होंगे, क्योंकि कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो जो मार्शल थे उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स वेल्थ को पढ़ेगा, मनी क्रिएशन के बारे में बात करेगा, बट साइमल्टेनियसली इट विल फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट इज मैनकाइंड,
मतलब उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है, मतलब तुम कमा तो रहे हो, कमाने के साथ साथ खर्चने का भी तरीका मैटर करता है। अगर आप अपने पैसे को सपोज अपनी सारी नेसेसरी चीज़ों को पूरा करने के बाद आप अपनी इनकम का कोई एक पार्ट है जो हमेशा आप इन्वेस्ट करते हो अलग अलग जगह पे, आपने अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखे हैं, तो डेफिनेटली जो ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो ये चीज़ें होंगी, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट अर्न करते हो और बहुत लैविशली आप अपना पैसा सारा का सारा खर्च कर देते हो, सो आप तब सोच के देखो क्या मिलेगा आपको एक टाइम के बाद, नथिंग। सो दैट इज द आइडिया। तो वेलफेयर डेफिनेशन कहती थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर साइड को भी पढ़ता है, मतलब हम उन वेल्थ को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब जिससे लोगों का वेलफेयर भी हो। सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइज करके कुछ नहीं होगा, देयर मस्ट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑल्सो, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब तक ह्यूमन बिहेवियर को, मैनकाइंड को, सोसाइटी को नहीं पढ़ेंगे तब तक सब चीज़ें नेग्लेक्टेड है, तब से सब चीज़ें वो आप इग्नोर करो, ठीक है। सो ये आइडिया जो किसने दिया, जो वेलफेयर डेफिनेशन में मार्शल ने दिया, ठीक है। अब एक अगर आपको आइडिया मिल गया, वही मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा आपसे, देखो एक बात के लिए मैं हमेशा ये कहूँगा आपसे, आप कुछ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो किसी भी तरीके का, जो डेफिनेशंस होते हैं ना, जो टेक्स्ट होते हैं, उन पे बहुत बाद में जाया करो। ऐसा होता है कि ना, हम जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, हम इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि हम एकदम स्टार्टिंग में ही अपने आइडिया को बिल्डअप कर लें। हम क्या करते हैं, फिर रीडिंग करते जाते हैं, दो बार तीन बार रीड करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर टुकड़े टुकड़ों में समझ में आता है। सो ये अप्रोच आपने कभी भी अडॉप्ट नहीं करनी। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के टाइम जस्ट कुछ एक आइडिया अपने माइंड में पहले से बिल्डअप कर लो उसके लिए, जब आप ताकि उस पूरे डेफिनेशन को, उस पूरे को पढ़ो ना, तो आपके माइंड में एक आइडिया होगा, तो उसी आइडिया के साथ कुछ चीज़ें क्या होती जाएंगी, मैच होती जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल थॉरली क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, रेदर देन कि सीधा आपने देखा टेक्स्ट उठा के पढ़ना शुरू हो गए और देखा कि अच्छा ये लिखा है, यार बुक ही पढ़नी है तो फिर वीडियोस क्यों देख रहे हैं ना, वो तो फिर वहीं पे पढ़ लेंगे। तो पहले एक आइडिया बिल्ड करना हर कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन चाहिए, तो पहले फाउंडेशन कॉन्सेप्ट का, उसके बाद पूरी बिल्डिंग, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ज़रा डेफिनेशन की, जो मार्शल की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। देखते हमारा कंसर्न समझ में आ गया कि मार्शल ने अपना कंसर्न वेल्थ से कहा शिफ्ट किया वेलफेयर पे, ये समझ में आ गया। अब वही पॉइंट्स हमें देखने हैं, ठीक है। देखो मार्शल शिफ्टेड हिज अटेंशन फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, ठीक है। मार्शल ने जो अपना अटेंशन है वो शिफ्ट किया कहाँ से कहाँ पे, वेल्थ से वेलफेयर में, मतलब वेल्थ तो चाहिए साथ में क्या चाहिए, साथ में वेलफेयर भी चाहिए। एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोसाइटी, जो स्मिथ थे, एडम स्मिथ सर, उन्होंने सिर्फ किस पे फोकस कर दिया, उनका सिर्फ फोकस हो गया भाई कैसे एक, कैसे एक पर्सन एक पर्सन, देयर वॉज नॉट एनी डिस्कशन अबाउट सोसाइटी एंड ऑल। तो इसमें इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी देखना और पढ़ना पसंद करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स सोशल साइंस। मार्शल सेड दैट वेल्थ इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, अगेन कोई बात कि वेल्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है, वेल्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इंस्टेड इट अ मींस टू एन एंड, जबकि ये एक जरिया है किसी अपनी इच्छा को पूरी करने का, राइट। अगर मैं आपको पैसा दे दूं और आपसे ये बोलूं, इफ आई गिव यू मनी और मैं आपसे ये बोलूं दैट नो कमोडिटीज आर देयर टू परचेज, क्या करोगे उस मनी का, मनी कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। मनी सिर्फ एक रिसोर्स है, एक जरिया है, जिससे कि आपके एक अल्टीमेट जो वांट है ना वो पूरी हो सकती है। अगर मान लो कोई ये कहे कि मनी के कॉन्सेप्ट को हटा दो, बार्टर सिस्टम में वापस आ जाओ, तो फिर मनी का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मनी सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जरिया जिससे कि आप अपनी कोई एंड जो वांट है, मीन्स को पूरी कर सकते हो, ठीक है। द एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। हम देखो, हम अपने पैसे को लाइक मान लो आप 12th में हो, 10th में हो, या जो भी एज में आप हो, आपको गेम खेलना पसंद है, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पबजी के ऊपर 4,000-5,000 को भी लगा देते हैं, ठीक है। एक मुझे समझ नहीं आता कि सर बेवकूफ़ है 5,000 पे पबजी पे लगा रहा है, एक मेरे लिए बहुत अजीब है, लेकिन उसको मैं अजीब लगता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरे को महंगी वॉचेस का शौक है, वो कहता हूँ टाइम तो देखना है, तो ये क्या बात कर रहे, इतनी महंगी वॉच पहन के भी क्या करेगा, वक्त तो वही रहेगा, कम से कम मैं पबजी खेलूंगा मज़ा तो आएगा। सो आप अपने मनी को, अपने वेल्थ को आप अपने अकॉर्डिंगली वेलफेयर के हिसाब से यूज करते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भाई यही चीज़ खरीदोगे तो तुम्हें वेलफेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने वही कहा कि मनी एक जरिया जिससे इंसान अपनी वेलफेयर चाहता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक इंसान को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ता है।
Now, what do we mean by ordinary business of life? It simply means that you want to earn money and you want to spend money. That's it. एक ऑर्डनरी बिजनेस तो यही होता है, एक डेली के एक इंसान का, कॉमन इंसान का रूल क्या है कि भाई सुबह अपने ऑफिस या बिजनेस पे चले गए, फिर शाम को वापस आए, कमाए खाए सो गए, यही होता है। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स वही करता है बस। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। ये किसी भी इंडिविजुअल के या फिर सोशल मीन सोसाइटी के एक्शन को पढ़ता है, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, जो कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है किससे? अटेनमेंट से। व्हाट डू वी मीन बाय अटेनमेंट? अटेनमेंट मींस किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को पा लेना, ठीक है। एंड विद द यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। इसका मतलब यहां भी इन्होंने किसकी बात कर ली है? मटेरियल की बात कर ली है। मतलब कि किस तरीके से जो हमारे मटेरियल रिक्विजिट्स है हम उनको यूज करते हैं अपने भले के लिए। मतलब जो भी तुम कमा के लेके आते हो, ठीक है, अपने पास जो तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा गोल्ड है, तुम्हारा सिल्वर है, तुम्हारा लैंड है, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल चीजें हैं, तुम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो अपने भले के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो सजेस्ट्स दैट इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स हाउ अ मैन गेट्स हिज इनकम। यही हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था। एंड हाउ ही यूजेस और स्पेंड्स इट, कि कैसे वो अपनी इनकम को अर्न कर रहा है। देखो, अर्निंग और स्पेंडिंग बहुत जरूरी है। अर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से अर्न करते हो, बहुत मैटर करता है। और उतना ही जरूरी है उस पैसे का यूटिलाइजेशन आना। देखो, आप समझ के देखो, जो हम जिन लेजेंड्स की हम बात करते हैं, चाहे हम बात करें इलॉन मस्क की, चाहे हम बात करें जेफ बेजोस की, ठीक है, चाहे हम बात कर लें अक्षय कुमार की, चाहे हम बात कर लें अंबानी की, मतलब धीरू भाई अंबानी सर की, ठीक है। सो चाहे हम बात कर लें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो हम किसी की बात भी करें, ऑफकोर्स इन लोगों ने पैसा कमाया बहुत बहुत, इन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। आप भी शुरू करते हो, हम भी शुरू करते हैं, ये वहाँ पहुँच जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। कहीं ना कहीं यूज पे डिपेंड करता है। पैसा कमाने से ज़्यादा आपका यूज करना बहुत मैटर करता है कि आप उसे यूज कैसे करते हो, क्योंकि द वे यू यूटिलाइज योर मनी प्रिडिक्ट्स योर फ्यूचर, इज़न्ट इट। आप किस तरीके से, भाई जेफ बेजोस क्या ही करते थे, राइट, और आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन के बैठे हैं। भैया हमेशा तो नहीं थे ना, बिल गेट्स नॉर्मल पर्सन थे, एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को जीते थे। आइडिया नया आया, वेल्थ आई होगी, उसे संभाला और उसे इस मैनर में स्पेंड किया कि आज सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। तो मार्शल ने यही कहा, इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट हाउ टू स्पेंड योर मनी। तो इसीलिए आप देखते हैं जितने भी शेयर मार्केट वगैरह होती है, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम ही, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनका काम ही होता है अपनी वेल्थ को एलोकेट करना, ऐसी जगह से एलोकेट करना सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द स्पेंडिंग ऑफ योर मनी और बाय इन्वेस्टिंग योर मनी, राइट। आगे बढ़ते हैं। दस इट इज ऑन वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, तो एक साइड ये वेल्थ पढ़ रहा है, एंड ऑन द अदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, तो दूसरी साइड क्या पढ़ रहा है, एक मैन मतलब मैन काइंड, कैसे उनका वेलफेयर हो सकता है। तो इस तरीके से मार्शल ने क्या किया, इस तरीके से मार्शल ने एक बहुत क्लियर, एक शार्प लिंक दे दिया किसके बीच में, वेल्थ के बीच में और वेलफेयर के बीच में। सो दैट इज द आइडिया। सो अब बात करते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेटली उसके भी कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। फीचर देखते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, ह्यूमन लाइफ, एक रोजमर्रा की जिंदगी, कि तुम कैसे पैसा कमाते हो और तुम कैसे पैसा खर्च करते हो। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडीज द ह्यूमन लाइफ, ऑन वन पार्ट इट स्टडीज अबाउट अर्निंग ऑफ मनी, एंड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इट स्टडीज अबाउट मेन, जो भी लास्ट डेफिनेशन पॉइंट हमने पढ़ा, नथिंग एल्स, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ये चीज उन्होंने ऐड कर दी। जैसे ही एम्फसाइज ऑन वेल्थ, हु, एडम स्मिथ, ही एम्फसाइज ऑन वेलफेयर। According to this definition, the primary motive is to expand human welfare. ठीक है, money and wealth are considered as means to increase welfare. अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया PUBG नहीं है दुनिया में, और ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और पैसा ले लो, तो क्या करूँगा इस पैसे का? पैसा चाहिए इसलिए ताकि मैं अपने पार्ट पे, अपनी सोच से अपने वेलफेयर को बढ़ा सकूँ, राइट। पैसा चाहिए आपको इसलिए, अगर मार्केट में कोई गुड और सर्विस ना हो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए पड़े हो, तुम्हारे मिलियन और बिलियंस डॉलर्स भी हो, तो वेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते उनका, राइट। इन्होंने वही कहा। आगे, मनी एज अ मेजरिंग रॉड,
इन्होंने इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि वेलफेयर कैसे हो सकता है मनी से, तो मनी को इन्होंने क्या करा एक मेजरिंग रॉड के तौर पे कंसिडर किया कि मनी क्या है, एक मेजरिंग रॉड है, मींस मनी से वेलफेयर को मेजर किया जा सकता है. एंड दिस डेफिनेशन सजेस्टेड दैट मनी कैन यूज टू मेजर मटीरियल वेलफेयर. मतलब मटीरियल वेलफेयर मतलब वही जो गोल्स वगैरह है, तुम उनको कैसे मेजर कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो. ठीक है, स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, यहाँ भी बात आ गई किसकी, मटीरियल की. मार्शल्स डेफिनेशन प्राइमरली कनेक्टेड विद मटीरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट. मतलब इनका भी कंसर्न किससे था, मटीरियल रिक्विजिट्स. अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो डेफिनेशन में आप एक पॉइंट को नोट करो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. तो मतलब इनका भी जो कंसर्न था वो किसके ऊपर था, इनका कंसर्न भी था मटीरियल के ऊपर, कि मतलब जो भी चीजें इंसान का भला करेंगी वो मटीरियल चीजें होनी चाहिए. ठीक है, तो अब जब ऑब्वियसली बात है ये भी मटीरियल के ऊपर ही बोल गए तो इनको भी क्रिटिसिज्म तो मिलना ही थे, क्योंकि भाई अगर मैं वही आपसे बोलूं कि सिर्फ मटीरियल चीजें भला कर रही होती तो यूट्यूब चलता कैसे, यूट्यूब तो सारा इन मटीरियल चीजों से भरा पड़ा है, हम सब तो सर्विसेज ही दे रहे हैं, सारे लोग बैठ करके यहाँ पे और उससे ही लोग अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म भी देखने जाएंगे. पहला, नैरो एंड इनकम्प्लीट. सबसे पहले रॉबिन्स, जिनकी थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स क्रिटिसाइज्ड मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज नैरो एंड इनकम्प्लीट. क्यों, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स नॉट ओनली स्टडीज मटीरियल वेलबींग बट इन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल. क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, एक नेशन जब अपनी अर्निंग की बात करता है तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर सकता, राइट. इमटीरियल चीजें भी हैं जिनसे इंसान को अर्निंग आती है. तो जब इकोनॉमिक्स वेल्थ को पढ़ रहा है तो आप उसको इतना ज्यादा कन्फाइंड कैसे कर सकते हो, वो चीजें जो इमटीरियल वेल्थ हैं आप उनको भी कंसिडर करो, उससे भी तो आपको सर्विसेज से भी तो पैसा आता है. भाई इंडिया कंट्री की बात करूँ तो आज हमारे जीडीपी का जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो किससे है, वो सर्विस सेक्टर से ही तो है. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर दोगे सिर्फ और सिर्फ मटीरियल पे तो काम नहीं चलने वाला, राइट. ठीक है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज नॉट क्लियर. जैसे हमने क्या कहा था कि जो स्मिथ सर है उनके डेफिनेशन में क्या कमी थी, स्मिथ के डेफिनेशन में कमी ये थी, एडम स्मिथ के डेफिनेशन में ये कमी थी कि उन्होंने डेफिनेशन तो दी बट उन्होंने वेल्थ को क्लियर नहीं किया. वैसे इन्होंने वेलफेयर को क्लियर नहीं किया. तो व्हाट डू वी मीन बाय कि इन्होंने वेलफेयर को क्लियर नहीं किया. देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा, आप बैठे हो, ठीक है, आप मैं सपोज इतनी आप छोटे थे, आप 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में थे, जब आपको कार्टून देखना पसंद होता है, मोस्टली बच्चों को कार्टून देखना पसंद होता है, अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, गेम खेलना पसंद होता है, आपके पापा आपके पीछे चाटा मार देते हैं बुद्धि पे, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो, न्यूज़ देखो. ठीक है, इमेजिन अ डे आप खड़े हो, आप उनके पास चाटा नहीं मारना, अगले का घर है भाई, जाकिर खान सुना होगा आपने, ठीक है, तो चाटा तो नहीं मार सकते आप, लेकिन आप उनसे जाके पूछो कि क्या देख रहे हो न्यूज़, क्या समझ में आता है आपको. फिर तो आप इतना ज़्यादा स्टैटिक कैसे हो सकते हो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रेफरेंसेज ऑफ इंडिविजुअल्स, तो आपकी प्रेफरेंसेज मेरी प्रेफरेंसेज बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसके बेसिस पे जज कैसे कर सकता हूँ कि वो चीज़ वेलफेयर है वो चीज़ वेलफेयर नहीं है. ठीक है, हो सकता है किसी को पार्टीज करना बहुत पसंद हो, उसे उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती हो, उस पर स्पेंड करके बहुत खुशी होती है, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत आइसोलेटेड रहना चाहता हो, उसे उसमें बहुत खुशी मिलती है. हो सकता है किसी को कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में बहुत खुशी मिलती हो सकता है किसी को बुक्स में बहुत खुशी मिलती हो. तो तुमने बोल तो दिया इंसान का अंतिम जो एंड डिसीजन है वो वेलफेयर है, लेकिन तुम वेलफेयर को डिफाइन तो कर जाओ, तुमने तो कुछ बताया नहीं वेलफेयर के बारे में, है ना. क्योंकि कोई चीज़ इकोनॉमिक्स में चीज़ हमेशा अलग नहीं है, हम कभी भी इकोनॉमिक्स में ना बिल्कुल स्टिक नहीं हो जाते, मतलब स्टैटिक नहीं हो सकते बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, भाई ये यही है सोशल बिहेवियर. और सोशल बिहेवियर आपने मैंने कहा था कि हम सोशल साइंस में है, तो विच थिंग मे ट्रू फॉर यू मे नॉट बी ट्रू फॉर मी, हमारा बिहेवियर तो बदलता रह सकता है ना, तो हम कभी भी एकदम क्या नहीं हो सकते, स्टक नहीं हो सकते कि ये चीज़ है और ये ऐसी ही रहने वाली है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं भी हो सकता. तो ये एग्जाम्पल ने कहा कि मार्शल की डेफिनेशन अनक्लियर और वेग है. क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन कैसे, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है. सब्जेक्टिव, आपने अभी एक नया वर्ड याद सुना, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है. सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो जाएगा. कहते ना कि भाई इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, तो मार्केट पे जो उतार चढ़ाव होंगे उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी बदल जाएंगे. तो ये भी सब्जेक्टिव है, एक जैसा नहीं रह सकता, सब्जेक्ट चेंज. जैसे कोई पबजी लवर्स है, वो पबजी लवर 4,000 रुपये खर्च के उसके सॉफ्टवेयर के लिए उसकी गेम के लिए बहुत खुश है, सब्जेक्ट चेंज कर दो, किसी गरीब इंसान को वहाँ पे ला दो,
4000 रुपये में वो क्या वो पबजी के सॉफ्टवेयर खरीदेगा? नहीं, वो अपने घर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेगा, उसका वेलफेयर वहाँ पे है, राइट। तो आप कैसे एकदम स्टक हो सकते हो वेलफेयर को लेके? तो तुमने जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया बहुत क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, वेग है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ड्रिंकिंग इन इंडिया इज कंसिडर्ड वेलफेयर रिड्यूसिंग। मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा, जिससे मान लो इस्लाम है, इस्लाम जो धर्म है उस धर्म के अंदर जो अल्कोहल है, अल्कोहल को बिल्कुल ही हम क्या मानते हैं, एक तरह से प्रोहिबिटेड है उनके कुरान के हिसाब से। बट अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उस कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, उनके लिए वेलफेयर इंक्रीजिंग है, ठीक है। रशिया के अंदर लोगों को पीना पड़ता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो आप कैसे एकदम स्टक हो सकते हो कॉन्सेप्ट को लेकर के, राइट, ठीक है। वेलफेयर इज डिफिकल्ट टू मेजर। और किसी का वेलफेयर, देखो वेलफेयर एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होती है, मुझे खुशी होती है किसी चीज़ से तो मैं वेलफेयर मानता हूँ। आप उसे मेजर कैसे कर सकते हो? इट्स अ सेंस ऑफ फीलिंग, और आप जानते हो फीलिंग्स को मेजर नहीं किया जा सकता, कोई मेजरिंग रॉड नहीं बनी कि फीलिंग को मेजर कैसे कर लोगे। ये वही क्वेश्चन का आंसर है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसका आंसर दुनिया में सबसे मुश्किल आंसर कैसे मेजर करके बता सकते हो आप, हो जाए तो फिर वो वेलफेयर भी मेजर हो जाएगा। जिस दिन ये मेजर हो गया उस दिन वेलफेयर भी मेजर हो जाएगा। एंड लास्ट, अनक्लियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसे? मार्शल स्टेटेड दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मार्शल ने कहा जो इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक्स है वो एक्टिविटीज को दो पार्ट में करता है, इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक में। लेकिन रॉबिन्स ने ये कहा दुनिया में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो कम्प्लीटली इकोनॉमिक हो और कम्प्लीटली नॉन इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो प्रॉफिट के अर्न करने के मोटिव से होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो वेलफेयर को इंक्रीज करने के मोटिव से होती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि कोई भी इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कम्प्लीटली इकोनॉमिक हो या कम्प्लीटली नॉन इकोनॉमिक हो। हर एक्टिविटी, जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो आई एम अर्निंग मनी, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिक हो गया। ऑन दी अदर पार्ट, अगर मैं अपने भाई बहन या किसी अपने रिलेटिव को पढ़ाऊँ तो इससे नॉन इकोनॉमिक हो गया। तो मतलब एक इंसान की एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली इकोनॉमिक और कम्प्लीटली नॉन इकोनॉमिक कैसे हो सकती हैं? सिर्फ पैसे के लिए काम करें, मतलब फिर सोसाइटी वगैरह कुछ देखे ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है, है ना? और सिर्फ नॉन इकोनॉमिक हो जाए और नहीं ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ आप कह रहे हो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक्टिविटी जो इंसान करता है उसमें कुछ इकोनॉमिक पार्ट होता है कुछ और नॉन इकोनॉमिक पार्ट होता है। बिना इसके दुनिया चलेगी ही नहीं कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, पैसा ही पैसा करते रहो, मनी ही मनी करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट वॉज द आइडिया पुट इट बाय एल्फर्ड मार्शल। एल्फर्ड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी, ठीक है, और उनका जो एम्फेसिस था आप जान गए वेलफेयर के ऊपर था। इससे पहले जो एडम स्मिथ थे उन्होंने डेफिनेशन दी, जो दी उसका जो कंसर्न था वो किसके ऊपर था? उसका कंसर्न था वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के ऊपर, इनका कंसर्न आ गया वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के ऊपर। हाउएवर इन दोनों की ही डेफिनेशन में कुछ ना कुछ तो कमियां थी, है ना, वो कमियां ही तो क्रिटिसिज्म बन के सामने आई, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन को एक तरह से क्रिटिसाइज करते हुए एक डेफिनेशन दी जो कि है स्केयर्सिटी डेफिनेशन, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऊपर आई पॉइंट शो होगा, आपको आई कार्ड शो होगा, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर वन नहीं देखा है वो पहले प्लीज़ लेक्चर वन को ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर वन से ही आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि हम ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वेल्थ वेलफेयर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको दोनों चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा, अब जो हमारी डेफिनेशन है स्केयर्सिटी डेफिनेशन, यहाँ से इकोनॉमिक्स को पढ़ने का टेंजन एंटायरली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने आएगा, ठीक है, टू स्टडी और टू ले डाउन द आइडिया बिहाइंड इकोनॉमिक्स। क्योंकि यहाँ तक हम वेल्थ वेलफेयर में थे, वहाँ से एकदम अलग हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। वो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। फर्दर कुछ भी आपको डिटेल्स और चाहिए होती हैं, कुछ भी आपको पूछना होता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।